मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, सुखी होने के लिए है। मानव जो भी कुछ सोचता है, बोलता है, करता है, सपने में करे और खुली आंखों से करे, अच्छे से अच्छा कोई कर्म करे और बुरे से बुरा कोई कर्म करे, वो जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। सुख जो भी उसकी परिभाषा के अनुसार है, अभी हम सुख को डिफाइन नहीं कर रहे, जिसको उसने सुख माना है वो अपने सुखी होने के लिए। इसको उल्टा करके बोल दें, कोई दिन ऐसा होता है ना कि आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, चलो उससे मिलके आता हूं, जो भी आपको दुखी कर सकता है, कभी ऐसा लगता है? पूरी धरती पे मानव जाति जो कुछ भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए है, मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए है, वो दुख से मुक्ति के लिए है, वो सुख की स्थिरता को पाने, सुख की स्थिति को पाने के लिए है। हमारे सारे प्रयास तो हम सब एक हैं इस अर्थ में कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किसी सुख की तलाश में करते हैं। अपनी अपनी स्टेट ऑफ माइंड और अपनी अपनी चेतना के अनुसार हमने जैसा सुख को माना है उसके अनुसार हम करते हैं। अब मेरे मानने से सुख होता नहीं, ये प्रकृति किसी नियम से चलती है, तो प्रकृति में सुख कैसा है वो समझे बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरी मर्जी से ये अस्तित्व नहीं चलता, प्रकृति में हर चीज किसी नियम से है, उस नियम को पहचानना है। इसी प्रयास को हम अगले 6 दिन में करेंगे, लेकिन कम से कम बेस पकड़ रहे हैं। अभी जब भी देखिए, मेरे को लगता है कि एकेडमिक्स शिक्षा से जुड़े हुए हम बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जब हम साइंस और मैथ्स और तमाम चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब भी हम आदमी के बारे समझते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब है कि निश्चितता के साथ कुछ कहा जा सकता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि मैन टू मैन वेरी करता है, हर आदमी के लिए अलग अलग है, इसलिए आदमी के बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आदमी के साथ बात नहीं हो सकती। और जितनी जितनी हमने एजुकेशन पाई, आदमी से बात करने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? ये विश्वास हमारा घटता हुआ दिखाई देता है। यदि मानव एक प्रकृति की इकाई है, तो यदि प्रकृति की सारी इकाइयों पे कोई नियम काम करता है तो मानव पे भी कोई नियम काम करता है। मानव पे वो जो नियम काम करता है, नियम का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है, इसलिए मानव से बात हो सकती है। यहां मैं लगातार 6 दिन तक यही बोलता रहूंगा कि आप असहमत होने का प्रयास करें। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? ताकि जब आप असहमत होने का प्रयास करते हैं तो आप उसके डिफरेंट एंगल पे सोचते हैं, और सारे एंगल पे सोच के भी आप अपने आप में स्वनिरीक्षण पूर्वक देख सकें, हाँ ये तो ऐसा ही है, ये नहीं बदल रहा है, तो आपको भरोसा होगा यार सारे आदमी एक जैसे हैं। तो इस चर्चा से क्या निकल के आया, इस चर्चा से क्या निकल, और कुछ किसी के मन में हो तो बोलिए, हो गया? तो एक बात निकल के आई कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। इसका मतलब निकल के आया कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। क्या है? वो सुखी होना चाहता है। और सुख भी कितना चाहता है? कितना सुख चाहता है, है ना? संडे टू संडे, हर पल हर क्षण, इसलिए वो सुख की निरंतरता चाहता है। सुख की निरंतरता हो जाए, कंटिन्यूटी हो जाए, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो जब भी ये भाषा प्रयोग हो जाती है तो हमको समझ में आता है कि ये पूर्णता की स्थिति है। पूर्णता कम अधिक से मुक्त होता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है। धरती के सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, इससे कम में किसी का नहीं चलता, इससे कम में जो है उसका नाम झेलना है, इससे ज़्यादा की कोई स्थिति है नहीं। धरती के सभी मानव ऐसे ही हैं, धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है,
हम सबकी मूल चाहत एक है, इसलिए हम सबकी मंजिल एक है।